तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट में। तो इस वक्त कंपार्टमेंटल कुछ वाले छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि बिहार बोर्ड रोज़ कोई ना कोई आपका अपडेट लेके आता है कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम के लिए, और सभी छात्रों का भविष्य समझिए अभी भविष्य संकट में है क्योंकि कोरोना का ये जो दूसरा लहर आया है बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि CBSE ने अपना 10th बोर्ड ने अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, और जहां तक बिहार बोर्ड की बात करें अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं या ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। मात्र बस कल हमने जैसा कि न्यूज़ में देखा था कि आपका कंपार्टमेंटल का फिर से फॉर्म भरने का डेट थोड़ा बढ़ा दिया। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका ये कंपार्टमेंटल का डेट बढ़े या फिर पोस्टपोन हो, या फिर सभी छात्रों को बिहार बोर्ड को पास कर देना चाहिए क्योंकि कोरोना की लहर काफ़ी बढ़ चुकी है, छात्रों का जान और भविष्य दोनों ही संकट में है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि हमने देखा है कि CBSE में मात्र आपके पूरे देश में कुल मिला के आपके 12 से 13 लाख बच्चे होंगे मतलब कि एग्ज़ाम देते होंगे, और बिहार बोर्ड में एक 12th से ही मात्र 13 से 14 लाख बच्चे एडमिशन ये 12th का एग्ज़ाम देते हैं। तो क्या इस कंपार्टमेंटल वाले एग्ज़ाम को अभी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ जी हाँ दोस्तों, और आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, वेबसाइट नहीं मतलब कि फेसबुक अकाउंट या फिर यदि आप ट्विटर यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप कमेंट करें वहाँ पे जाके बिहार बोर्ड को कि हमारा कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी यदि आप नहीं कीजिए दोस्तों तो आपका समय बहुत ही बीत जाएगा। अभी से आप शुरू कर दिए ये सब लिखना, ठीक है। तो 5 मिनट मात्र आपको लगेंगे, बस आपको जाना है फेसबुक अकाउंट पे और बिहार बोर्ड से ये मांग करनी है कि या तो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। कोई भी आपको दोस्तों ये नहीं करना है कि भीड़ इकट्ठा कर ली 10 छात्र लेके, तो उसमें आपका हानि होगा, आपको कोरोना भी हो सकता है, तो आप उसका ध्यान रखें। तो आइए आगे इस खबर को पढ़ते हैं। इस खबर में क्या है, तो ये खबर तो वही थी दोस्तों कि आपका एक छात्र ने हमसे सुबह में पूछा था कि मेरा कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम का ये एप्लीकेशन छूट गया, तो 14 से 15 तक आपको अप्लाई करना है, और ये है आपका हेल्पलाइन नंबर, यहाँ से आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आगे पढ़ते हैं आपका CBSE का क्या बताया था। बिना परीक्षा आपका CBSE के छात्रों को पास कर दिया 10वीं के लिए। जहाँ तक बिहार बोर्ड की बात है, बिहार बोर्ड ने सभी से परीक्षा भी लिया, कई छात्रों का कोरोना काल की वजह से बहुत ही कम अंक आया, बहुत ही उतना अच्छा अंक नहीं आ पाया जिनसे उन्हें आगे स्नातक में एडमिशन में भी दिक्कत होगी, और कई छात्र इस बार फेल भी हुए हैं। भले ही ऑब्जेक्टिव की संख्या डबल कर दी गई हो लेकिन कोरोना के कारण बहुत छात्रों पर ये प्रभाव पड़ा है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कीजिए और फेसबुक पे जाके आप एटलीस्ट बिहार बोर्ड से ये मांग कीजिए, उनके ऑफिशियल बिहार बोर्ड ऑफिशियल करके है उनका फेसबुक आईडी, उस पर आप मांग कीजिए। आप चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे यूज़ करते हो कि हमारा परीक्षा या तो आगे बढ़ना चाहिए या तो CBSE की तरह पोस्टपोन होना चाहिए 12th की तरह, या फिर हमें प्रमोट कर देना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो बहुत काम गया होगा। तो आपकी फिर भी मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि आप यदि पोस्टपोन के भरोसे ही ना रहें, ठीक है, हो सकता है बिहार बोर्ड जैसा कि आपने देखा है कोरोना की लहर में भी सबसे पहले इसी ने एग्ज़ाम लिया था, तो आपका एग्ज़ाम ले भी सकता है। तो अपनी तैयारी भी पूरी रखें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि हम आपको तैयारी करवा भी रहे हैं और हम आपको आगे करवाते भी रहेंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ठीक है।